नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। आज हम अपना वार्ड में आई कैम्प बैठाए हुए हैं, लेस कलम के द्वारा हमरा यहाँ अपना आई कैम्प चल रहा है। कितने लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? प्राय 1000-1200 होंगे। और डॉक्टर कहाँ से आए हुए हैं? डॉक्टर लाइन्स क्लब से आए, हॉस्पिटल। मैंने आप लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ जांच कर रहे हैं ना? और नहीं, जांच भी हो रहा है। मोतियाबिंद का पेशेंट अलग से, उनको डेट दिया जा रहा है जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा। और मेरे तरफ से पर्सनली कुछ लोगों को जो 50 बरस से ऊपर उम्र जिनका हो गया है, जिनको दिखाई कम दे रहा, चश्मा का जरूरत है, तो उनको हम लोग चश्मा भी 250 आदमी को देंगे, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट चश्मा दे रहे हैं। अच्छा, ये कब से चल रहा प्रोग्राम? आज ही शुरू हुआ है। 19 आज ही शुरू हुआ है ना? आज शाम 6 बजे तक चलेगा। अच्छा, आज जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसमें जिन लोगों को मोतियाबिंद हो दिखाई देगा, उसके लिए क्या क्या स्टेप है आपका? उसके लिए लॉयंस क्लब में ऑपरेशन उनका होगा, मोतियाबिंद का, निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लगेगा। लेंस भी जो आँख का में जो लगता है वो भी फ्री है। अच्छा, हम लोग देख रहे हैं आसपास में बहुत भीड़ है, कहाँ कहाँ के लोग यहाँ पे आ रहे हैं? हमारा पूरा वार्ड है, 70 है, 65 है, 63 का है, 17 नंबर वार्ड के हैं, समूचे वार्ड का आदमी हमारे पास आते हैं। और हमारे पास किसी का नाम नहीं है, सबको देखते हैं, सबको हाँ कर रहे हैं, सबको हाँ कर रहे हैं। प्रेमनाथ साहब, वार्ड नंबर 70, काउंसिलर। आज मैं स्पेशली इन दोनों आंखों में क्या आपको ज़्यादा बीमारी दिखाई दे रहा है? बेसिकली ये जो आई का कैंप है, हम लोग बेसिकली जितने भी पेशेंट्स आते हैं तो उसमें बेसिकली दो ही तीन तरह के प्रॉब्लम्स हम लोग को नज़र आते हैं। पहला तो है कि टू स्क्रीनिंग फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ कैटरेक्ट, लोगों को जो मोतियाबिंद या छानी जिसको बोलते हैं उनके बारे में जो है हम लोग देखते हैं। जिनको छानी है तो हम लोग यहीं पर उनको ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ और आई का टेस्टिंग करके उनको अपने पास अपने हॉस्पिटल में ले जाएंगे और उनको कैटरेक्ट सर्जरी करेंगे, IOL मेथड से करेंगे, स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी में, जिसमें कि लेंस भी लगाएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये मास अवेयरनेस की ज़रूरत है कैटरेक्ट में। जिस तरीके से इंसान का चूल पकता है उसी तरीके से कैटरेक्ट जो है अब उम्र के अनुसार होने लगा है, इस ये चीज़ का अवेयरनेस लोगों में होना चाहिए। हम लोग सर मोतियाबिंद जो होता है ये कॉमन है, सब लोगों में पाया जा रहा है। जी जी, ये मैंने क्या है, कहाँ पर लोग खाने पीने में क्या एहतियात करते हैं कि जो नहीं हो पाए? देखिए, मोतियाबिंद जो है वो बेसिकली एक एज रिलेटेड फैक्टर माना गया है। जो ज़्यादा उम्र हो जाएगा तो आई का जो लेंस होता है उसमें एक ओपेसिटी आ जाता है, दैट इज कॉल्ड लेंटल ओपेसिटी, उसी को कैटरेक्ट बोलते हैं, मोतियाबिंद बोलते हैं। उनका हम लोग ऑपरेशन करके 100% सक्सेसफुली जो है ऑपरेशन करके उसमें लेंस लगा देते हैं, पेशेंट इज ऑल राइट। लेकिन जिन लोगों को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, दे आर मोर प्रोन टू गेट कैटरेक्ट इन अ वेरी अर्ली एज। जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है वैसे पेशेंट्स में मिलता है। उसके अलावा चोट लगने की वजह से भी जो है, अगर आँखों में चोट लग जाए उससे भी मोतियाबिंद डेवलप कर जाता है। ये सब रीजंस हैं कैटरेक्ट। एज ए डॉक्टर आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे पब्लिक को कि क्या करें कि उनका आँख सेफ रहे? देखिए, आँखों के लिए तो सबसे पहले कि कोई भी अगर आँख में इन्फेक्शन हो, पेन हो, दर्द हो, पानी आए, तो जनरली लोग जो है आसपास में लोकल मेडिकेशंस कराते हैं। मैं लोगों को सजेस्ट करूँगा, दे शुड गो टू एनी ऑप्थोलॉजिस्ट एंड गेट देयर आइज चेक्ड, नंबर वन। क्योंकि हम लोग के पास बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जिससे हम लोग टेस्ट करके बता सकते हैं कि चलिए ये इन्फेक्शन का मामला है, तो इन्फेक्शन के लिए
एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं हम लोग और आँख ठीक हो जाता है। और दूसरा चीज़ होता है कि आजकल ये डस्ट वाला इलाका ज़्यादा है, डस्ट है यहाँ पर है, तो लोगों को अवेयर होना चाहिए, दे शुड अवॉइड डस्ट एज फार एज पॉसिबल। अगर उनकी मजबूरी है कि डस्ट में ही काम करना है, दे शुड वियर प्रोटेक्टिव ग्लासेस। उसके अलावा जो है जिनको 40 इयर्स के बाद जो है दे शुड गेट चेक फॉर दिस डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन, क्योंकि जिनको डायबिटीज़ होगा दे आर मोर प्रोन टू गेट कैटरेक्ट। ये सब चीज़ें हैं। आँख में कभी भी अगर चोट लग जाए तो लोकल मेडिकेशन नहीं करके तुरंत जो है उनको आई हॉस्पिटल में आना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है लोगों के लिए। और कोई भी इन्फेक्शन वगैरह अगर होता है, लाली होती है, सबसे कॉमन लाली होती है, इन्फेक्शन होता है आँख में, उन सब तुरंत उनको हॉस्पिटल में जाके दिखाना चाहिए। ये मेरा एक मैसेज है। ओके सर, थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर सूर्यकांत है, मैं आई सर्जन हूँ, MS ऑप्थोलॉजी। शुगर के बचने के लिए देखिए उम्र के साथ साथ कुछ परहेज भी करना जरूरी है, ठीक है। ऐसे मीठा नहीं खाना, चावल थोड़ा कम खाना, रोटी मिला के खाना है, ठीक है, थोड़ा ग्रीन वेजिटेबल खाना, थोड़ा टहलना, अभी तो खेलकूद का जमाना उठ ही गया, ठीक है, टहलना टहलने पड़ेगा, सुबह शाम टहलना है, मॉर्निंग वॉक जिसको कहा जाता है, ठीक है। टाइम टू अगर शुगर पकड़ा गया तो दवाई लेना है शुगर से बचने के लिए। मॉर्निंग वॉक से बहुत सा बीमारी से बहुत बीमारी बच सकता है। अभी तो कोई खाली पैर में नहीं हटता है, खाली पैर में घास में हटने से शुगर घटता है, ठीक है। अभी तो कहाँ वैसा परहेज करता है, सब तो चप्पल जूता पहन के ही चलता है, मॉर्निंग वॉक भी करता होगा तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीकांत बनर्जी, लायंस हॉस्पिटल चिरकुंडा।